पनौती पनौती। अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। राहुल गांधी के ये वो कुछ भाषण हैं जो उन्होंने सरकार पर या फिर व्यक्तिगत रूप से पीएम मोदी पर या फिर कहें अमित शाह पर किए हैं। इसी के चलते वो कई बार मुसीबतों में फंस भी चुके हैं। मोदी सरनेम को लेकर के दिए गए बयान के कारण तो उन्हें 2 साल की जेल तक होने वाली थी, उनकी सांसदी तक चली गई इस मामले में। उसके बाद अमित शाह के ऊपर किए गए डिफेमेशन को लेकर के उन पर अब इस वक्त जो है मामला चल रहा है, और ऐसे अपने कई बयानों के कारण वो न सिर्फ मुसीबत में फंस जाते हैं बल्कि सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल भी हो जाते हैं। कई बार उनके आंकड़े सही नहीं रहते, जो भाषण देते हैं उनके आंकड़े सही नहीं रहते, और कई बार वो जब टिप्पणी करते हैं तो वो खासी व्यक्तिगत हो जाती है। जैसे कि वर्ल्ड कप के मैच के दौरान जब पीएम मोदी स्टेडियम में गए हुए थे, फाइनल मैच देखने के लिए गए हुए थे, तो उसके बाद राहुल गांधी ने उन्हें पीएम मतलब पनौती मोदी कह दिया था। उन्होंने कहा था कि अच्छे खासे तरीके से मैच जीत रहे थे, वो चले गए और उसके बाद उन्होंने पनौती लगा दी। अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। लेकिन इसके बाद इस मामले में तुरंत जो है बीजेपी इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन के पास गई और मामले में राहुल गांधी फिर से फंस गए। राहुल गांधी ट्रोल तो हुए ही हुए, साथ ही साथ उन्हें जो सत्ता पक्ष है उनकी ओर से भी कई बयान भी सुनने पड़े। जाहिर है कि गिरगिरी होनी ही थी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री पर इस तरीके की टिप्पणी करना किसी भी नेता के लिए मर्यादा से बाहर की बात हो जाती है। अब इस मामले में राहुल गांधी की थोड़ी सी मुसीबतें बढ़ गई है। मुसीबतें क्या बढ़ गई है, ये कह सकते हैं कि उनके बयानों के कारण ही इलेक्शन कमीशन ने भी उन्हें कह दिया है कि थोड़ा आप चुनाव में सतर्कता से भाषण दें, सार्वजनिक स्थलों पर जब भाषण दें तो थोड़ा सोच समझ कर दें। जी हां, ये इलेक्शन कमीशन की टिप्पणी है, चुनाव आयोग की टिप्पणी है राहुल गांधी पर कि वो जो है बयान दें तो थोड़ा सोच समझ कर दें, समझदारी के साथ दें, कुछ भी ना बोल दें। आपको बता दें कि पनौती मोदी के चलते ही नवंबर 2023 में जब उन्होंने ये बोला था, नवंबर 2023 में राहुल गांधी ने ये भाषण दिया था और पनौती शब्द को आचार संहिता का उल्लंघन जो है चुनाव आयोग ने माना था। इसके बाद 21 दिसंबर 2023 को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया। कांग्रेस नेता का बयान जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, ऐसा इलेक्शन कमीशन ने अब कह दिया है। नोटिस जारी करने के बाद इलेक्शन कमीशन से जो है इस मामले में कार्रवाई की बात की थी और अब इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर कह दिया है राहुल गांधी को कि वे सोच समझ कर भाषण देंगे। यानी कि अब चुनाव आयोग भी जानता है कि वो किस तरीके से अनर्गल बयानबाजी दे देते हैं, व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी कर देते हैं। राजनीतिक पार्टी के बजाय वो एक शख्स को जो है टारगेट करने की कोशिश करते हैं, विपक्षी उनके जो प्रतिद्वंदी दल के किसी दूसरे नेता पर व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी करने की कोशिश करते हैं, जो कि कई बार देखे भी गए हैं। और इस मामले में अब इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को सचेत किया है, कहा है कि आप जो है भाषण दें तो सोच समझ कर दें। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर के भी गाइडलाइंस जारी की है, पार्टियों को चेतावनी दी है कि मर्यादा बनाए रखें, इसके अलावा आचार संहिता का उल्लंघन करने पर तुरंत कार्रवाई होगी, ऐसा चुनाव आयोग ने कहा है, चाहे वो फिर किसी भी पार्टी का हो। चुनाव आयोग ने कहा है कि भगवान या फिर भक्त की आस्था को लेकर के कोई भी सवाल और किसी भी इस प्रकार की टिप्पणी ना की जाए जिससे कि भक्त की जो आस्था है उस पर ठेस पहुंचे, क्योंकि भारत में जाहिर तौर पर धर्मों को मानने वाले बहुत से लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग यहां पर रहते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, ऐसे में किसी भी धर्म पर व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी करना, इलेक्शन कमीशन ने इस मामले में खासतौर पर कहा है कि इन चीजों का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा धार्मिक स्थलों में प्रचार ना करने की इलेक्शन कमीशन ने हिदायत दी है और आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान बच्चों का इस्तेमाल नहीं होगा। हालांकि ये पहले से भी चलता हुआ आ रहा है लेकिन अब चुनाव आयोग इस पर सख्त हो गया है। चुनाव आयोग ने कहा कि बच्चों को किसी भी प्रकार के प्रचार में, चुनाव प्रचार में शामिल ना किया जाए। इसके अलावा राहुल गांधी पर चुनाव आयोग ने टिप्पणी की है कि वो सोच समझ कर बयान दे, यानी कि अब चुनाव आयोग भी जानता है कि किस प्रकार से राहुल गांधी अनर्गल बयानबाजी अक्सर अपने भाषणों के दौरान कर देते हैं, जनसभा को संबोधित करते हुए कर देते हैं। क्या कारण है वो तो किसी को नहीं पता, लेकिन फिलहाल यही पता है कि अब चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान लिया है और अब जो है चुनाव आयोग इस मामले में राहुल गांधी को नोटिस भी जारी कर चुका है, सचेत कर चुका है कि आप जो है चुनाव में सोच समझ कर बयान दें। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस खबर पर, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।